अपने आत्मबल और आत्मविश्वास से वंचित हो गए हो हनुमान, परंतु मैं तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति जागृत करना सिखाऊंगा। ये कौन सी शक्ति है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं भोले बाबा? वो शक्ति पुत्र, जिसका परिचय मनुष्य को योग की साधना और उसमें दक्षता प्राप्त करने से होता है। जो शक्ति स्वयं तुमसे उत्पन्न होकर तुम्हें संपूर्ण और सशक्त बनाती है, जिससे तुम अपने जन्म का प्रयोजन सिद्ध कर पाओगे। हनुमान को ये विशेष शक्ति कैसे प्राप्त होगी भोले बाबा? पुत्र, उसके लिए तुम्हें योग की पांचों विधाओं अर्थात ध्यान, ज्ञान, हठ, कर्म एवं राजयोग में प्रवीण बनना होगा। मैं स्वयं तुम्हें ज्ञान और हठ योग की शिक्षा दूंगा। स्वयं देवाधिदेव महादेव हनुमान के गुरु बनेंगे, ये तो हनुमान का सौभाग्य है। परंतु हे भक्त वत्सल, क्या हनुमान ये ज्ञान अवश्य ग्रहण कर सकोगे? पुत्र, मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तो फिर तुम्हारे लिए क्या असंभव है? पुत्र, सर्वप्रथम मैं तुम्हें ध्यान योग की शिक्षा दूंगा, उससे तुम्हारे चित्त में शांति और एकाग्रता स्थापित होगी, तुम्हें स्थिरता प्राप्त होगी। पुत्र, स्थिरता? ध्यान योग द्वारा प्राप्त स्थिरता योग सिद्धि का आधार है। स्थिर चित्त होकर ही कोई योग की अन्य विधाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। परंतु भोले बाबा, हनुमान समझा नहीं ये स्थिरता क्या है और उसकी क्या आवश्यकता है। स्थिरता से गांभीर्य का विस्तार होता है। पुत्र, आओ मैं तुम्हें समझाता हूं। कहो पुत्र, इस सरोवर में तुम्हें क्या दिख रहा है? भोले बाबा, हमारी प्रतिछाया। इस शांत निश्चल जल के समान स्थिरता वो मनोदशा है पुत्र, जिससे व्यक्ति समस्त भ्रांतियों से मुक्त होकर ना केवल स्पष्ट रूप से जगत का सत्य अवलोकन करने में समर्थ होता है, परंतु अपने अंतर से भी परिचित हो जाता है। ये लो पुत्र, इस कंकर को जल में गिरा दो। अब भी तुम्हें अपनी प्रतिछाया दिखाई दे रही है पुत्र? नहीं भोले बाबा। जल तो वही है, फिर प्रतिछाया क्यों नहीं दिखाई दे रही है हनुमान? वो इसीलिए भोले बाबा, हनुमान ने अभी इस जल में कंकड़ डालकर इसकी स्थिरता को भंग कर दिया है। इसमें जल तरंगे उत्पन्न होने लगी है। तुम्हारी वर्तमान मानसिक अवस्था कुछ ऐसी ही है ना पुत्र? अनेक अवांछित विचारों की उथल पुथल से भ्रमित है तुम्हारी बुद्धि। जी। ध्यान योग से बुद्धि शांत होगी और विचारों की अस्पष्टता दूर होगी। तुम्हारा चित्त स्थिर होगा, जिससे तुम उचित निर्णय ले पाओगे। पूर्ण एकाग्रता और अनुशासन से अपने उद्देश्य प्राप्ति में कार्यरत रहोगे, अर्थात कार्य पूर्ति की उचित प्रक्रिया का पालन करोगे और अपनी आंतरिक शक्ति के अनुरूप
सफलता प्राप्त करोगे। परंतु प्रभु, हनुमान वानर बालक है और वानर स्वभाव से ही चंचल होते हैं। वो एक स्थान पर या एक विचार पर अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकते, तो हनुमान ऐसे में कैसे स्थिरता प्राप्त करेगा? यदि वानर होकर भी तुम इस ज्ञान को सिद्ध कर सके तो संभवतः तुम संसार के अन्य प्राणियों के लिए भी एक उदाहरण बन जाओगे। हनुमान, आओ पुत्र, तुम्हारी ध्यान योग की शिक्षा आरंभ करते हैं। जो आज्ञा भोले बाबा। ध्यान योग का ध्यान प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम ध्यान मुद्रा में बैठना आवश्यक है, अर्थात अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर इस प्रकार रखो जिससे हथेली ऊपर की ओर रहे। अंगूठे और तर्जनी के अवछोर को छुओ जिससे वृत्त का आकार बन जाए। अन्य तीनों उंगलियों एक दूसरे से सटी रहे परंतु उनका मुख बाहर की ओर होना चाहिए। यह मुद्रा तुम्हारी भारी देह और अंतरात्मा के संयुक्त होने का प्रतीक है। अब उचित मुद्रा प्राप्त करने के पश्चात तुम्हें ओम शब्द का जाप करना है। ओम, ओम क्या है भोले बाबा? इस एक शब्द में ब्रह्मांड का साहद निहित है पुत्र। सृष्टि की उत्पत्ति के समय श्रवण होने वाली ये प्रथम ध्वनि है पुत्र। प्रथम ध्वनि? हाँ पुत्र, सर्वप्रथम संपूर्ण ब्रह्मांड में यही एक शब्द गुंजायमान था। ओ ओ ओम के अनंत नाद से ही शक्ति का दूसरा स्वरूप प्रस्तुत हुआ, दिव्य प्रकाश। पंदोप्रांत इसी विशाल प्रकाश पुंज रूपी शक्ति एवं ओम की ध्वनि से धीरे धीरे संपूर्ण सृष्टि का जन्म हुआ। में ही नहीं, संसार के प्रत्येक ध्वनि में ओम की ध्वनि व्याप्त है। दो अंतरिक्ष नक्षत्रों इत्यादि की रचना हुई और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई जिसके पश्चात उस पर चर अचर जीवन का जन्म हुआ। ओम की अपार महिमा है पुत्र। समस्त सृष्टि एवं जीवन की जन्मदायिनी है ओम की ध्वनि, इसलिए वे संपूर्ण ब्रह्मांड में सदैव गूंजती रहती है। मात्र ब्रह्मांड में ही नहीं, संसार के प्रत्येक ध्वनि में ओम की ध्वनि व्याप्त है। अद्भुत। मेघों से गिरकर पृथ्वी से टकराने वाली बूंदों ने पवन प्रवाह में पत्तों की सरसराहट पक्षियों की चहचहाट के संगीत में ओम ही ओम व्याप्त है। यहाँ तक कि हमारे प्रत्येक श्वास में ओम की ध्वनि प्रसारित होती है। प्रभु, हनुमान को भी ओम की ध्वनि का आभास हो रहा है। शीघ्र ही तुम उसके अभ्यस्त हो जाओगे पुत्र, और तब तुम्हें ज्ञात होगा ओम की ध्वनि का उच्चारण हमारे तन मन और आत्मा को पावन कर देता है, जीव को जीवात्मा से जोड़ने का माध्यम बनती है ओम की ध्वनि। प्रभु, फिर तो मैं शीघ्र इसका उच्चारण प्रारंभ कर देता हूँ। ओम, ओम, ओम।
बिना मुझे बताओ पुत्र हनुमान, तुम्हें अपने समीप क्या अनुभव हो रहा है? भोले बाबा, हनुमान को बढ़ते ताप का आभास हो रहा है और एक तितली हनुमान के मस्तक के समीप घूम रही है। वो उसकी नासिका पर बैठना चाहती है और एक गिलहरी मेरा ध्यान भंग करने का प्रयत्न कर रही है। और हाँ, वायु का प्रवाह और पत्तों की सरसराहट, इतना सब अनुभव हो रहा है हनुमान को। अपने नेत्र खोलो पुत्र। देखो ना पुत्र, ना ही कोई गिलहरी है और ना ही तितली। यदि तुम एकाग्रता से ध्यान करोगे तो सूर्य का ताप, पत्तों की सरसराहट का से तो तुम्हारे लिए मिट जाएगा। अपनी रीढ़ को सीधा कर पुनः प्रयास करो पुत्र। अपने नेत्र को बंद कर अपने श्वास पर नियंत्रण प्राप्त करो पुत्र। अपने मस्तक पर स्थित अपने नेत्रों के मध्य के स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित करो पुत्र। तब तुम्हारे समक्ष ध्वल ज्योति उत्पन्न होगी। ओम के उच्चारण के साथ उस ज्योति पर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयत्न कर आंतरिक स्थिरता प्राप्त करने की चेष्टा करो पुत्र। आवे और जावे हनुमत बर बस ध्यान लगावे। ओम निरंतर जपत हनुमंता पावे है तू चित स्थिरता। शिव शंभो जब शिवांश संगी किस विध हो विफल बजरंगी। राम काज पूरन के प्रयोजन जब तब सब करी के सरी नंदन। गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। प्रतीत होता है हनुमान को ध्यान पद्धति का ज्ञान हो रहा है, परंतु मुझे अभी भी संदेह है कि हनुमान का चंचल चित्त पूर्ण स्थिरता प्राप्त कर सकेगा। इस बात का निर्णय तो समय आने पर बता हो जाएगा देवराजन। अब दिग्पाल को द्वारा हनुमान की परीक्षा का समय आ गया है। जल का प्रयोग सर्वाधिक सहजता से किसी का ध्यान भंग कर सकता है। प्रभु हनुमान, मेरी कामना है पुत्र, मेरी असफलता तुम्हारी सफलता प्रमाणित करे पुत्र। वरुण देव,
सफलता और असफलता का निर्धारण मत कीजिए। आप मात्र अपने कर्तव्य का निर्वाह कीजिए। को विफल कर हनुमान मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण रहा। प्रणाम महादेव। आपका कल्याण हो वायुदेव। मुझे ज्ञात है आप हनुमान का ध्यान भंग करने में संकोच कर रहे हैं, परंतु वायुदेव क्या आपकी इच्छा नहीं है क्या आपका पुत्र सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित हो? और श्रेष्ठ वही सिद्ध होता है जो कठिन परीक्षा में सफल हो। अपने पुत्र के प्रति अपने स्नेह के कारण आप अपनी शक्ति को छीण मत करिएगा वायुदेव। अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग कीजिए हनुमान पर। जो आज्ञा महादेव। शक्तियों से वंचित हनुमान के लिए वायुदेव के इस रूप से पार पाना अत्यंत कठिन होगा। संभव है कि वो वायुदेव का सामना ना कर पाए।
राम महादेव। देव की शीतल प्रवाह से यदि हनुमान के शरीर का रक्त प्रवाह स्थिर हो गया तो उसका ध्यान भंग हो सकता है। बरसाई अग्नि देव ने अनल जलाई, किंतु अडिग हनुमत संकल्पी दीर्घ परीक्षाएं भई अल्पी। शिव हनुमत शक्ति से परिचित आज भया पर जग भी विस्मित। महाबली हनुमत की कर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। प्रणाम महादेव। तुम अन्य सभी देवताओं की परीक्षा में तो उत्तीर्ण हो गए, आशा करता हूं तुम्हारे ध्यान को खंडित करने के मेरे प्रयास को भी तुम असफल कर ही दोगे।
हम देवताओं के किसी भी प्रयास से तुम्हारा ध्यान भंग नहीं हुआ। पुत्र, ध्यान योग में तुमने महारथ प्राप्त कर ली है। प्रणाम महादेव। कल्याण हो देवराज। वन्यजीव हनुमान से सहज होकर उसके समीप आ गए हैं। परंतु महादेवी, ये कैसे संभव है? देवराज इंद्र, हनुमान स्थिरता के ऐसे उच्च स्थान पर पहुंच गया है जिसके प्रभाव से वन्य जीवों में सौहार्द उत्पन्न होता है, जो मात्र कैलाश में ही देखने को मिलता है। परंतु हनुमान ने अपनी साधना से उसका सृजन यहीं कर लिया है। धन्य है पुत्र हनुमान। कपीश जब ध्यान लगावे, जल थल अंबर सब थम जावे। जय मारुति जय केसरी नंदन, कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। प्रभु अब कितनी परीक्षा लेंगे हनुमान की? पुत्र हनुमान, पुत्र हनुमान, पुत्र हनुमान, पुत्र हनुमान, पुत्र हनुमान। पुनः स्थिरता प्राप्त कर तुम ध्यान योग में दक्ष हुए, क्या तुम्हें अपने अंतर में स्थिरता और शांति का आभास हो रहा है पुत्र? हाँ भोले बाबा, अवश्य हो रहा है। परंतु जो शांति स्पर्श जो मुझे आपके हृदय से लगकर हुई थी, उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं है। परंतु पुत्र, जिसकी प्राप्ति तुम्हें हुई वो परम शांति और एकाग्रता अनुपम है। इनकी सहायता से तुम योग की अन्य विधाओं में भी सक्षम हो जाओगे। ये तो आपकी कृपा है भोले बाबा। आपके मार्गदर्शन से ही हनुमान जैसा चंचल वानर बालक अपने ध्यान को केंद्रित कर पाया। पुत्र हनुमान,
असाधारण शिष्य हो तुम, इतनी शीघ्र ही इतना कुछ सीख गए। ध्यान योग में निपुण होकर अब तुम हठ योग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए योग्य हो गए हो। पुत्र, शरीर की गतिविधि और संतुलन दोनों ही व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता के लिए अति आवश्यक है। इन दोनों का अभ्यास ही हठ योग है, जो शरीर, बुद्धि और आत्मा में समन्वय स्थापित करता है, जिससे जीवन में उचित निर्णय लेकर सफलता प्राप्त करना सरल हो जाता है। भोले बाबा, इसका अर्थ है हठ योग से हनुमान को अपने शरीर पर नियंत्रण प्राप्त होगा। हाँ पुत्र, आजीवन अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का साधन है हठ योग। इसके नित्य अभ्यास से शरीर का प्रत्येक सूक्ष्म तत्व पोषित होकर शरीर में स्फूर्ति, बल और तेज उत्पन्न करता है। स्वस्थ मन तो ध्यान योग से प्राप्त कर ही लिया है तुमने, अब स्वस्थ तन के लिए हठ योग सीखो हनुमान। हठ योग शिक्षा के लिए प्रस्तुत हूँ भोले बाबा। अति उत्तम, तो ये शिक्षा हठ योग के सर्वश्रेष्ठ आसन सूर्य नमस्कार से प्रारंभ करते हैं। इस आसन के निरंतर अभ्यास से आजीवन तुम्हारा शरीर स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहेगा। सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में प्रथम आसन प्राणायाम आसन से सूर्य नमस्कार आरंभ होता है। अपने दोनों पैरों पर शरीर के भाग को विभाजित कर अपने शरीर को संतुलित करो। आओ सूर्य नमस्कार आरंभ करें। रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय।
हनुमान तुम में विलक्षण प्रतिभा है पुत्र, सूर्य नमस्कार को पूर्ण रूप से सिद्ध कर लिया है तुमने। अब प्रतिदिन प्रातःकाल इस आसन का 108 बार अभ्यास करने से सदैव रोग और व्याधियों से मुक्त रहोगे। भोले बाबा, आपकी आज्ञा का पालन कर हनुमान नित्य सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेगा। अब और कठिन आसन सीखने का समय आ गया है पुत्र। भोले बाबा, क्या हठ योग में और भी कई आसन हैं? हाँ पुत्र, हठ योग में तो अनेकों आसनों का संचय है। भोले बाबा, फिर तो हनुमान को उन्हें भी सीखना प्रारंभ करना चाहिए। चिंता मत करो पुत्र, तुम शीघ्र ही समस्त आसनों को सीख जाओगे। उसके नित्य पालन से तुम्हारे बल में वृद्धि होगी। आओ हठ योग आरंभ करें। हनुमान, इसमें श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए तुम्हें कुछ समय और इस मुद्रा में रहना होगा। मैं ध्यान योग में लीन होने जा रहा हूं। मेरे ध्यान में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। क्या अर्थ है ये? हनुमान तो भोले बाबा से पूछना भूल ही गया। जब तक भोले बाबा का ध्यान समाप्त नहीं हो जाता तब तक हनुमान को ऐसे ही रहना चाहिए। प्रभु के आदेश पर हनुमान इतनी दीर्घ अवधि तक इस कठिन नटराज मुद्रा में स्थित है। यह हनुमान की सरलता है या प्रभु पुनः ध्यान मग्न होकर बाल हनुमान की परीक्षा ले रहे हैं? चींटियों का काटना हनुमान ने सहन तो कर लिया, परंतु प्रतीत होता है हनुमान के पांव पर एक वृश्चिक चढ़ रहा है। यदि उसने दंश दिया तो
हनुमान को किसी भी प्रकार से इस मुद्रा में रहना ही होगा। भोले बाबा की अवज्ञा नहीं कर सकता मैं। ध्यान योग का दुष्कर आसन, धारी कपि मुद्रा नटराजन, सहे चूटे वृश्चिके दंशा, पर्ण तनिक डिगे शिव अंशा। सूर्य देव का चक्र फिरी है, हनुमत किंतु ध्यान रमे हैं। शंकर ध्यान पूरन भी कीना, किंतु अब हूँ हनुमत लीना। बाबली हनुमत की रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 बाबली हनुमान। भोले बाबा ने मुझे ध्यान एवं ओम का उच्चारण करने से सारी परिस्थितियों से सामना करना सिखाया है। आंखें खोलो। वृश्चिक के दंत से कितनी पीड़ा हुई होगी तुम्हें पुत्र। मैंने तो तुम्हें स्पष्ट कहा था, तुम्हें नटराज आसन तभी तक करना है जब तक तुम्हारे शारीरिक संतुलन का अभ्यास पूर्ण हो जाए। फिर तुम इतने दीर्घ अवधि तक ऐसी मुद्रा में क्यों रहे पुत्र? भोले बाबा, हनुमान आपसे पूछना भूल गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे नटराज मुद्रा में कब तक रहना है। आपके ध्यान योग को भंग कर आपसे पूछना नहीं चाहता था हनुमान। इतनी लंबी अवधि तक नटराज आसन में रहकर तुमने ये प्रमाणित कर दिया है कि तुम हठ योग में भी पारंगत हो गए हो। हनुमान पुत्र, मुझे गर्व है कि मुझे तुम जैसा शिष्य मिला। भोले बाबा, आपसे शिक्षा प्राप्त करना हनुमान का सौभाग्य है। आपने हनुमान की सहायता कर उसकी निराशा एवं उदासी को निकाल दिया है। अब हनुमान में ऊर्जा, विश्वास और प्रसन्नता का संचार हो रहा है। मैं इसलिए तो आया था पुत्र। अब तुम संपूर्ण जीवन हठ योग का नियमित पालन करोगे, तुम्हारा शरीर और मस्तिष्क दोनों उत्तम होंगे, असीमित गति, ऊर्जा और आंतरिक बल का संचार होगा, सदैव रोग और व्याधियों से मुक्त रहेगा तुम्हारा शरीर। भोले बाबा,
हनुमान आपके हर आदेश का पालन करेगा। हनुमान, तन मन के लिए हठ और ध्यान योग मैंने तुम्हें सिखा दिए हैं, इसलिए अब तुम्हारे ज्ञान योग की अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का समय आ गया है। ज्ञान योग तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में जागरूक रहकर उसे तुम्हें प्राप्त करने में समर्थ बनाएगा। भोले बाबा, हनुमान ज्ञान योग सीखने के लिए भी तत्पर है। ज्ञान योग की शिक्षा मैं तुम्हें नहीं दूंगा, स्वयं माता सरस्वती तुम्हें प्रदान करेंगी। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र, मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। प्रणाम भोले बाबा, हनुमान की प्रार्थना है कि आप सदैव हनुमान पर इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। सरस्वती, प्रणाम माता। कल्याण हो। माता, हनुमान के तो भाग्य के द्वार ही खुल गए। पहले भोले बाबा ने कृपा की और अब आपने अपने दर्शन दिए। पुत्र हनुमान, मात्र मेरे दर्शन ही नहीं, मुझसे शिक्षण भी प्राप्त होने वाला है। तुम्हें ज्ञान योग में निपुण बनाने आई हूँ मैं तुम्हें। माता, आप तो ज्ञान एवं विद्या की देवी हैं। आपसे ज्ञान प्राप्त करके हनुमान का जीवन तो धन्य हो जाएगा। हनुमान, ज्ञान योग के बिना हठ योगी एवं ध्यान योगी अपूर्ण है। ज्ञान योग को प्राप्त करके ही हठ योगी एवं ध्यान योगी संसार के कल्याण के लिए अपने योग का समुचित प्रयोग कर पाते हैं। ज्ञान योग के द्वारा ही तुम्हें ईश्वर की विशालता एवं महानता का आभास होगा, जिससे तुम्हारी आस्था एवं भक्ति में भी वृद्धि होगी। अर्थात ज्ञान योग एवं भक्ति योग दोनों एक साथ ही प्राप्त होंगे हनुमान को। हाँ हनुमान, ज्ञान योग में भक्ति योग भी समाहित है। स्वर्ण को ना पहचानने वाले मनुष्य के लिए स्वर्ण मात्र एक धातु का टुकड़ा है, किंतु जो स्वर्ण को पहचानता है वही स्वर्ण का मूल्य समझता है। इसी प्रकार ईश्वर की महानता का ज्ञान होने पर ईश्वर की भक्ति में स्वतः ही वृद्धि होती है। हनुमान, कुछ पूछना चाहते हो? हाँ माता, ईश्वर कौन है? भगवान शिव जी या भगवान विष्णु जी? सत्य तो ये है कि दोनों ही एक है, दोनों ही समान है। ज्ञानवान ही भगवान के इस गुण रहस्य को पहचान पाते हैं। हनुमान, शिव जी की सृजन शक्ति जब नारी रूप में होती है तो देवी आदि शक्ति कहलाती है, जो देवी पार्वती के रूप में उनके साथ रहती है। शिव जी की पालक शक्ति जब पुरुष रूप में होती है तो उन्हें विष्णु देव के रूप में ये संसार जानता है। भगवान विष्णु का कार्य है संसार का पालन करना। संसार का पालन करना, वो कैसे माता? हनुमान, जिस प्रकार माता अपने पुत्र का पालन करती है, समस्त संकटों से अपने पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार संसार में जब जब पाप और अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान विष्णु धर्म एवं संतों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं और पाप का अंत करके पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। हनुमान, सत्य तो ये है कि मैं तुम्हें भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में बताने आई हूँ, जिससे भगवान की विशालता एवं उनकी महानता से
तुम्हारा परिचय होगा। भगवान विष्णु जी के सारे अवतारों के बारे में बहुत ही आनंद आएगा। माता हनुमान को शीघ्र ही बताइए ना, भगवान विष्णु जी ने कौन से अवतार धारण किए थे? हाँ हाँ हनुमान, बताती हूँ। ध्यान से सुनो हनुमान, भगवान विष्णु का प्रथम अवतार था प्रभु श्री मत्स्य अवतार लिया था। पूर्व कल्प के अंत में जब कलयुग समाप्त होने को था, उस समय हुआ था भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार। विष्णु देव के मत्स्य अवतार की सहायता से ही सृष्टि की पुनः रचना हुई थी। माता, ये कल्प क्या होता है? हनुमान, तुम्हें ज्ञात है युग कितने होते हैं? हाँ, मेरी माँ ने मुझे बताया था, चार युग होते हैं। प्रथम युग सत्य युग, द्वितीय युग त्रेता युग, तृतीय युग द्वापर युग और चतुर्थ युग कलयुग। हनुमान, तुम्हारी माँ ने तुम्हें उत्तम शिक्षा दी है। अब सुनो, ये चार युग मिलकर एक चतुर्युग होते हैं और एक सहस्र चतुर्युग मिलकर कल्प कहलाते हैं और कल्प के अंत में महाप्रलय होती है, जिसमें सारा संसार, समस्त चराचर प्राणी सब नष्ट हो जाते हैं, सबका अंत हो जाता है। सबका अंत? ये प्रलय क्यों होती है माता? इसका होना आवश्यक है? हनुमान, जिस प्रकार संसार के समस्त प्राणी की एक आयु निर्धारित होती है, उसी प्रकार एक कल्प की भी आयु सीमा होती है। अतः कल्प के अंत में प्रलय होना निश्चित है। प्रलय का एक कारण ये भी है कि कलयुग में पापाचार, भ्रष्टाचार बहुत अधिक होता है और कल्प के अंतिम कलयुग के समाप्त होते होते पाप कर्म इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि पृथ्वी देवी उन पापों के बोझ को सहन नहीं कर पाती। उनके करुण क्रंदन से ईश्वर द्रवित हो उठते हैं और परिणाम स्वरूप वे महाप्रलय की रचना करके सबका अंत कर देते हैं। ये महाप्रलय महाविनाशकारी होती है हनुमान। समय की महाप्रलय भी महाभयंकर हुई होगी। सब कुछ नष्ट होने का अर्थ है सबकी मृत्यु। सबकी मृत्यु नहीं हनुमान, कलयुग के पापमय अंधकार में भी धर्म और आस्था की ज्योति जगाए रखने वाले कुछ भक्त हृदय मनुष्य भी होते हैं। ऐसे कुछ स्त्री पुरुषों, कुछ जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों आदि को स्वयं ईश्वर ने अपनी लीलाओं के द्वारा विनाशकारी प्रलय से बचाया था। यही तो मैं भी सोच रहा था माता, कि भक्तों की रक्षा ईश्वर ने अवश्य ही की होगी। हनुमान, महाप्रलय से भक्तों के प्राण बचाने के लिए ही भगवान श्री विष्णु देव ने ही मत्स्य अवतार लिया था। कलयुग
कलयुग के अंत का समय आ गया है, किंतु प्रभु के श्रीमुख पर विचलित होने के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। होने को है, जग को अपने प्रथम अवतार के दर्शन दीजिए प्रभु। प्रलय की विनाश लीला का आरंभ हो गया है, आश्चर्य है। मुझे आपके भक्तों एवं जीव जंतु आदि की चिंता हो रही है प्रभु, किंतु आप निश्चिंत एवं प्रसन्नचित दिखाई दे रहे हैं। आपकी भी लीला का समय हो गया है प्रभु। विद्महे महामीनाय धीमहि तनो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते महामत्स्याय नमः। किंतु माता, उस छोटे से मत्स्य ने सारे भक्तों को महाप्रलय महाविनाश से कैसे बचा लिया? शीघ्र बताइए माता। वानर हूँ ना, चंचल बुद्धि हूँ, आप मेरी चंचलता पर ही हंस रही है ना? क्या करूँ माता, शीघ्र ही उतावला हो जाता हूँ। पुनः हंसने लगी आप माता। हनुमान, तुम्हारे भोले भाले मुखड़े और नटखट भाव भंगिमा से ही हंसी आ गई थी। हनुमान, छोटी सी मुट्ठी में भी सारा संसार समा सकता है। स्मरण रहे हनुमान, संसार में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। जो आज बड़ा दिखाई दे रहा है वो कल छोटा हो जाता है, और जो आज छोटा है वो कल बड़ा भी हो जाता है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है माता। हनुमान, जब कथा पूर्ण होगी तब तुम्हें मेरे कथन का अर्थ समझ में आएगा, अभी नहीं। तो शीघ्र बताइए ना माता, प्रभु विष्णु जी की मत्स्य अवतार की कथा। तो ध्यान पूर्वक सुनो। जिन भक्तों को प्रभु बचाने वाले थे उनमें सर्वश्रेष्ठ भक्त थे महातेजस्वी राजा सत्यव्रत। अतः प्रभु सर्वप्रथम राजा सत्यव्रत के पास पहुँचे, जो उस समय स्नान से निवृत्त हो रहे थे। ओम हरि नारायण नमः, ओम हरि नारायण नमः, ओम हरि नारायण नमः। ओम हरि नारायण नमः, ओम हरि नारायण नमः। रुक जाइए राजन। ये मत्स्य मेरी अंजलि में? मुझे जल में मत छोड़िए राजन। प्रभु, आपकी लीला भी अनोखी है, आपकी कृपा हो तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं। ये तो एक जीवधारी मत्स्य है। आप तो देख ही रहे हैं, मैं एक छोटा सा मत्स्य हूँ।
समुद्र में भयानक जलचरों के मध्य मेरा जीवन कभी भी संकट में पड़ सकता है। वे एक क्षण में मुझे अपना भोजन बना लेंगे। मैं इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मत्स्य, तुम बिल्कुल चिंता ना करो, मैं भली भांति तुम्हारी देखभाल करूंगा और तुम्हें रहने के लिए सुरक्षित और पर्याप्त स्थान दूंगा। धन्यवाद राजन। अर्थात माता, प्रभु सत्यव्रत जी को प्रभु ने तनिक सा भी आभास नहीं होने दिया कि मत्स्य के रूप में स्वयं प्रभु ही थे। हाँ हनुमान, भगवान दर्शन देने से पूर्व अपने भक्त की भक्ति की कड़ी परीक्षा लेते हैं। हाँ, फिर राजा सत्यव्रत जी की प्रभु ने कैसे परीक्षा ली? राजा सत्यव्रत उन मत्स्य रूपी प्रभु को कमंडल में लेकर महल पहुँचे। हरिओम नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण। हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि। यह ध्वनि कहां से आ रही है? यह गड़गड़ की ध्वनि तो और तीव्र हो गई। यह ध्वनि कहां से आ रही है? ये मत्स्य इतना शीघ्र कैसे बड़ा हो गया? राजन, आपने तो मुझे भली भांति देखभाल करने का वचन दिया था, किंतु इस छोटे से कमंडल में मुझे रख दिया आपने। ये बहुत छोटा है, मैं असहज हूँ इसमें। अच्छा अच्छा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे योग्य किसी बड़े और सुरक्षित स्थान पर ले जाता हूँ। धन्यवाद राजन। हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि। अब तुम इसमें आराम से रहो, यह स्थान तुम्हारे लिए काफी बड़ा, अच्छा और सुरक्षित है। यह विशाल पात्र तुम्हारे लिए उपयुक्त रहेगा, तुम्हें यहां कोई कठिनाई नहीं होगी। हरिओम नारायण हरि। अब क्या हुआ? राजन, रक्षा कीजिए। मत्स, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होने देंगे। हम तुम्हें इससे भी बड़े और उपयुक्त स्थान पर रखेंगे, धैर्य रखो। अर्थात पुनः प्रभु की लीला हुई, फिर क्या हुआ माता, शीघ्र बताइए ना। फिर जैसे ही राजा सत्यव्रत ने कक्ष के बाहर अपना पांव रखा, तुम इसमें रहो और आशा करता हूँ कि तुम यहाँ सुखपूर्वक रह सकोगे। कदाचित ऐसा ही हो, किंतु आप मुझे एकाकी छोड़कर मत जाइए, कहीं पुनः कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगा। अरे नहीं नहीं मत्स्य, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। परंतु माता, हनुमान को एक बात समझ नहीं आ रही है, यदि प्रभु को मत्स्य रूप में बड़ा होना ही था तो वो छोटे रूप में क्यों आए, और वो धीरे धीरे करके बड़े हुए एक ही बार में बड़े क्यों नहीं हो जाते? बड़ी परीक्षाओं के उपरांत ही प्रभु के दर्शन होते हैं हनुमान। ये राजा सत्यव्रत के धैर्य एवं उनकी सहनशीलता की परीक्षा थी, इसके साथ ही भविष्य की घटना से भी इनका संबंध था।
क्या हो रहा है? पुनः बड़ा हो गया ये मत्स्य? हे भगवान, विचित्र है ये मत्स्य। इसकी देह में कितनी तीव्रता से वृद्धि हो रही है। राजन, क्या सोच रहे हैं? शीघ्र कुछ कीजिए, ये पात्र भी मेरे लिए छोटा पड़ रहा है। मंडल माए आकारा में बढ़ती जाए, ताल तलैया सरी समंदर हारे मत्स्य से सारे पयोधर। धर्म परायण धर्म अधिष्ठा भूप न तोरे निर्बल निष्ठा, लेवे परीक्षा नृप की आए मत्स्यवतारा हरि दर्शाए। यह क्या विचित्र माया है? एक साधारण मत्स्य के लिए तो क्या इस संसार के किसी भी प्राणी के लिए ऐसा चमत्कार करना असंभव है। कदाचित मेरे प्रभु की मुझ पर विशेष कृपा हुई है और उन्होंने यह निश्चय किया है कि प्रभु मेरे नारायण हरि, मैं जानता हूं कि इस अद्भुत मत्स्य रूप में आकर आपने अपने इस भक्त पर विशेष कृपा की है प्रभु। अब आप मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दीजिए प्रभु। मुझे दर्शन दीजिए। महाराज सत्यव्रत, वर्षों की कठिन तपस्या एवं साधना से भक्त भगवान को भी अपने वश में कर लेता है। देखिए, आज मैं भी आपकी श्रेष्ठ भक्ति के बंधन में बंधकर यहां चला आया। मेरे तो भाग्य ही खुल गए हरिनारायण, आपकी जय हो। आपको मेरा कोटि कोटि नमन, जय हो आपकी। प्रभु, आपने दर्शन देकर मेरे संपूर्ण जीवन की साध पूर्ण कर दी। प्रभु, मेरे भगवान, अब मुझे अपने इस जीवन में कुछ और प्राप्त करने की इच्छा नहीं रही। किंतु महाराज सत्यव्रत, आज तो मुझे आपसे कुछ चाहिए। प्रभु, मेरे पास मेरा तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब आपकी ही कृपा का फल है। प्रभु, आप आज्ञा दे प्रभु, मैं अपना जीवन भी आपके चरणों में अर्पित करने के लिए प्रस्तुत हूँ। राजन, आपको अपना जीवन अर्पित नहीं करना है, अपितु आपको औरों की जीवन रक्षा का कार्य करना है। प्रभु, मैं आपके इस कथन का आशय नहीं समझा। राजन, इस युग का अंत 7 दिनों में होने वाला है। पृथ्वी के अनेक भागों में प्रलय आरंभ हो चुका है। शीघ्र ही ये संपूर्ण पृथ्वी प्रलय जल में समा जाएगी और इस पृथ्वी पर स्थित समस्त चराचर प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इस विनाशकारी प्रलय में अब तक पृथ्वी का चतुर्थ भाग डूब भी चुका है। इसलिए राजन, मैंने आपको
एक महान दायित्व सौंपने का निश्चय किया है कि आप सभी भक्त स्त्री पुरुषों सभी प्रजाति की वनस्पतियों और वृक्षों के बीच समस्त पशु पक्षियों के नर मादा जोड़े एवं सप्त ऋषियों को उनके परिवार सहित एक विशाल नौका में एकत्रित कर लें। ये कार्य आपको सीमित समय अवधि में पूर्ण करना है। मैं अपनी पूर्ण क्षमता के साथ आपके इस आदेश का पालन करूंगा प्रभु, किंतु चिंता ना करें राजन, आपकी सहायता के लिए मैं रहूंगा आपके साथ। बस आपको इतना स्मरण रखना होगा कि नौका को जल में उतारने से पूर्व आपको नागराज वासुकी को भी अपने साथ नौका में रखना होगा। प्रभु, जब मेरे शीर्ष पर आपका वरद हस्त है तो यह कार्य तो संपन्न होगा ही। बस अपना आशीष मुझ पर सदा यूं ही बनाए रखें प्रभु। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है महाराज सत्यव्रत। जिस प्रकार आपने मेरे इस मत्स्य रूप जीवन की रक्षा के लिए इतनी तत्परता से प्रयत्न किए, उसी प्रकार अन्य जीवों की रक्षा करने के लिए भी आप उतनी ही तत्परता से कार्य करेंगे। अवश्य प्रभु, आपके इस आदेश का पूरे प्राण प्रण से पालन होगा। अच्छा, अब समझा हनुमान कि भगवान विष्णु जी राजा सत्यव्रत जी की इतनी कड़ी परीक्षा क्यों ले रहे थे। क्यों वो पहले नन्हे मत्स्य के रूप में आए, फिर धीरे धीरे बड़े होते गए और यो विशाल रूप धारण कर लिया। राजा सत्यव्रत जी की सहनशीलता की सीमा को देखना चाह रहे थे वो, कि सबके प्राण बचाने के लिए राजा सत्यव्रत पूर्ण तत्परता से कार्य कर सकते हैं या नहीं। किंतु मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप ही क्यों धारण किया। जब पूर्ण कथा सुनोगे हनुमान तो तुम्हें ये भी समझ आ जाएगा। जैसे तुम राजा सत्यव्रत की परीक्षा के बारे में जान गए हो, परीक्षा की सफलता ने ही राजा सत्यव्रत को इतना महान उत्तरदायित्व दिलाया। वे भी पूर्ण तत्परता एवं मनोयोग से विष्णुदेव के भक्तों सहृदय एवं सत्कर्मी स्त्री पुरुषों एवं अन्य जीवधारियों और वनस्पतियों को एकत्रित करने में जुट गए। उनके सेवक भी हर दिशा से मनुष्यों प्राणियों और वनस्पतियों को ला रहे थे। सेवकों, हमें पूरी तीव्रता के साथ कार्य करना होगा बिना रुके, क्योंकि प्रलय का जल यहां किसी भी क्षण पहुंच सकता है। इसलिए बिना क्लांत हुए पूरी शक्ति से कार्य करो।
महाराज अब हम श्रमिकों की भांति कार्य मत कीजिए, हम शीघ्र कार्य पूर्ण कर लेंगे। राजा तो प्रजा का सेवक होता है, प्रजा के जीवन की रक्षा करना ही राजा का प्रथम कर्तव्य है। जितने हाथ श्रम करेंगे जी उतना ही कार्य तेजी से पूर्ण हो। जी महाराज। साथियों वर्षा कितनी भी तीव्र गति से हो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति को परास्त नहीं कर सकती, क्योंकि हमें प्रलय को परास्त करना है किसी भी मूल्य पर। साथियों समय बहुत अल्प है मित्रों, अपनी संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य लगा दो। विनाशकारी प्रलय का जल हमें डुबाने को उतावला है, किंतु हम भी सबके जीवन की रक्षा के लिए तत्पर हैं। हमें संसार के भविष्य के लिए सभी चराचर प्राणियों और वनस्पति को बचाना है। एक क्षण का भी विलंब नहीं होना चाहिए, अन्यथा अनर्थ की संभावनाएं बढ़ जाएगी। यह आखिरी लकड़ी शेष है। महाराज सभी मनुष्य पशु पक्षी वर्ग एवं वनस्पतियों के बीज आदि एकत्रित कर लिए गए हैं, नागराज वासुकी भी शीघ्र ही आते होंगे। नौका का कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है। ये लो लगाओ इसे, आओ शीघ्र करो। जी महाराज। जो आज्ञा महाराज। शीघ्र नौका में भेजो। जी महाराज। शीघ्र करो। जी महाराज। शीघ्र चलो। चलो शीघ्र करो। शीघ्र चलो। रक्षा करो। रक्षा करो। जाइए शीघ्र। वृक्षों के बीज आदि हैं। जाइए जाइए शीघ्र कीजिए। हाँ, चलो शीघ्र चलो। शीघ्र कीजिए। जाइए। हिंसक पशुओं को देखकर कोई भयभीत ना हो, इस विनाशकारी प्रलय से सबके प्राण बचाने हैं हमें। आप सब लोगों से हमारी यह विनती है कि इस कठिन घड़ी में एक दूसरे की सहायता करें। हाँ, हाँ, हाँ। फिर वो मनुष्य हो या पशु पक्षी, आप सब सहयात्री हैं इस नौका में। आइए शीघ्र कीजिए। जी महाराज। चलो शीघ्र करो। शीघ्र करो, प्रलय जल निकट आ गया है। प्रलय जल तो आ ही गया है राजन,
कहीं ये शेष लोग छूट ना जाए। आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को छूटने नहीं दूंगा। शीघ्र कीजिए, जाइए शीघ्र। हाँ जी महाराज, शीघ्र करो। और कोई शेष बचा है? ये नागराज वासुकी कहाँ रह गए? महाराज और प्रतीक्षा मत कीजिए, द्वार बंद कराइए। हमें नागराज वासुकी की प्रतीक्षा करनी ही होगी, प्रभु ने उन्हें साथ लाने को कहा था। किंतु महाराज, जल यदि नौका में भर गया तो कोई नहीं बच पाएगा। आप सब लोग धैर्य रखें, मुझे पूर्ण विश्वास है नागराज वासुकी शीघ्र ही आते होंगे। श्री नारायण का नाम लो और द्वार बंद करो जल्दी। हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि। आप सब लोग सतर्क रहें, धैर्य रखें और तनिक भी भयभीत न हो। प्रभु श्री नारायण हम सब की रक्षा करेंगे, निश्चिंत रहें आप लोग। भगवान, ऐसे विनाशकारी लहरें, कहीं नौका ही ना पलट जाए। शुभ शुभ बोलो, प्रभु पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। प्रभु श्री हरि नारायण की जय। प्रभु श्री हरि नारायण की जय। हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि। माता, प्रभु की कृपा से सब नौका सहित जल में तो उतर गए, परंतु क्या नौका इतनी सुदृढ़ बनी थी जो प्रलय की भयंकर लहरों के थपेड़ों को सहन कर सके, सब सुरक्षित रह सके? जैसे जैसे नौका आगे बढ़ रही थी, प्रलयकारी लहरें और अधिक भयावह हो रही थी। धैर्यवान और संकल्पी व्यक्ति को ही जीवन में बड़ा कार्य करने का उत्तरदायित्व मिलता है। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।